हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही सिंपल एंड इजी वे टू मेक उपमा। उपमा सभी लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं, पर आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक बहुत ही सिंपल तरीका जो कि मैं यूज़ करती हूँ। और यकीन मानिए, अगर आप इस तरीके से उपमा बनाएंगे तो बहुत ही झटपट भी बनेगा और बहुत ही टेस्टी भी। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। उपमा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने अपनी कढ़ाई चढ़ाई है और उसमें मैं डाल रही हूँ अराउंड 1 टीस्पून घी। ये मैंने 1 कप सूजी लिया है। हमारी जो मेजरमेंट है उपमा की वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, तो मैंने 1 कप सूजी लिया है और इस घी में मैं इसे हल्का सा रोस्ट करूँगी। रोस्ट करते समय आप बिल्कुल ध्यान दें कि फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए और आप धीरे धीरे इसे आराम से रोस्ट करेंगे। हमें बहुत ज़्यादा इसे रोस्ट नहीं करना है या इसका कलर को चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा हमें इसे रोस्ट करना है और वो भी लो फ्लेम पे। हम कम से कम इसे 3 से 4 मिनट तक के लिए इस तरीके से सेक लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो सूजी है बिल्कुल अच्छे से सिक गई है और हमने इतना ही बस इसको सेका है कि एक अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगी है। हमने इसका कलर चेंज नहीं किया है। मैंने इसे अराउंड 3 से 4 मिनट्स के लिए सेका है। अब ये बिल्कुल अच्छे से सिक गई है, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। कढ़ाई में हम डालेंगे थोड़ा तेल। मैंने इसमें अराउंड 1.5 टीस्पून तेल डाला है। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी काली राई, ये थोड़े करी लीव्स हैं डाल रही हूँ। ये थोड़ी सी देखिए चना दाल, भुनी हुई चना दाल है। ये मैंने थोड़े से अराउंड 1 टीस्पून भुनी हुई चना दाल ली है। 1 टीस्पून मैंने लिया है उड़द दाल। 1 टीस्पून के अराउंड मैंने लिया है फली दाना। और ये थोड़ा सा देखिए, मैंने अदरक को ग्रेट करके रखा था, वो थोड़ा सा हम इसमें अदरक डालेंगे। इन सबको अच्छे से हम सौते करेंगे। इसी समय हम थोड़ी सी, ये देखिए मैंने फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिलीज लिए, थोड़ी सी मैं ग्रीन चिलीज भी इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि इस उपमा में जो ये सिंपल तरीके का उपमा हम बना रहे हैं इसमें मैं और कुछ भी नहीं डालूंगी। तो मेन फ्लेवर जो है इसमें अदरक, हरी मिर्च और करी लीव्स, और जो क्रंचीपना है वो चना दाल, उड़द दाल और हमारा फली दाना से आएगा। देखिए हमारी दालें अच्छे से सिक रही हैं, दाल वगैरह सब अच्छे से सिक गई हैं। अब इसमें मैं डालूंगी पानी। पानी की जो क्वांटिटी है वो हम मेजर करके डालेंगे। मैंने 1 कप सूजी लिया था, उसके हिसाब से मैं 3 कप्स ऑफ वाटर डालूंगी। तो ये मैंने मेजर करके रखा है 3 कप पानी। फ्लेम हमने हाई में ही रखा है, इसे हम बॉईल आने देंगे अच्छे से हाई में। ये देखिए इसमें एक अच्छे से बॉईल आ गया है। अब ये जो सूजी हमने सेक रखी थी वो धीरे धीरे इसमें डालेंगे और कंटिन्यूसली मिलाते जाएंगे। हम बिल्कुल धीरे धीरे डालेंगे, नहीं तो इसमें लम्स फॉर्म हो जाएंगे। अभी ये बहुत लिक्विड है तो अभी इसे हमें कंटिन्यूसली स्टर करना है जब तक ये थोड़ा थिक ना हो जाए। देखिए ये थिक हो रहा है। अब धीरे धीरे हमें इसे बीच में छोड़ना नहीं है, हम इसे चलाते रहना है वरना नीचे से चिपकने का डर रहेगा। ये बिल्कुल सॉफ्ट एंड फ्लफी हमारा उपमा रेडी हो रहा है। ये बहुत ही सिंपल, इजी एंड फटाफट बनने वाली रेसिपी है और इतनी झटपट बनती है ये, और बनने के बाद खाने में भी ये उतनी टेस्टी भी लगती है। अब इसे हम लो फ्लेम में ढक कर 1 या 1.5 मिनट के लिए, 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे छोड़ेंगे। हमारा जो उपमा है मैंने कवर हटा दिया है 1 से 1.5 मिनट के बाद। ये देखिए ये उपमा हमारा बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल सॉफ्ट एंड फ्लफी उपमा। देखिए मैंने 1/2 नींबू का रस इसमें निचोड़ा है, आप चाहें तो नींबू का रस थोड़ा और ले सकते हैं, और फ्रेश कोरिएंडर लीव्स, सबको हम अच्छे से मिलाएंगे। और लास्ट में जो मैं एक चीज़ डालूंगी वो बिल्कुल ऑप्शनल है, पर मुझे उसका टेस्ट बहुत पसंद है और वो है 1 चम्मच घी। घी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं, पर ऊपर से गरम गरम उपमे में हल्का सा घी डाल के खाने से उपमा का जो टेस्ट है वो बहुत ही टेस्टी हो जाता है।
तो अब हम गैस बंद करते हैं क्योंकि हमारा उपमा बिल्कुल रेडी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे अपलोडेड वीडियोज़ आप तुरंत वॉच कर सकें। थैंक यू।